एप्सिलॉन नॉट लगाएगा। और कल हम बताए कोई पूछ रहा था कि क्या इलेक्ट्रिक व्हील ड्यू टू अ पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज भी अपने सिलेबस में है। तो सिलेबस में नहीं है, तो एक सिंगल शीट का ये पार्ट है। ये तो आप देखेंगे आपके क्या है, प्लेन जो हम कहते हैं शीट है उसी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा। ध्यान से देखें, इधर मैं एक फिगर दिखा देता हूँ, केवल इस फिगर को आप चेक करें। इसी में से हम किसी भी एक को ले लेंगे। मान चले आपकी दो शीट्स है और ये शीट्स आपके पास कैसी है, लाइक चार्जेस की दो शीट्स है और लाइक चार्जेस की शीट है। तो इसमें आप क्या काम करते जाएंगे किसी भी एक पॉइंट पे। चलो मैं लेता हूँ अपनी बार लाइक चार्जेस के शीट के लिए आप चेकआउट करें। एक शीट आपकी ये है और एक शीट आपकी ये है। क्या आपको ध्यान है कल हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था किसी भी शीट के लिए आपने कितना किया था, ये होना चाहिए था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कुछ मत करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दें। फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की फील्ड आप देखना कैसी जाएगी, इसकी अवे फ्रॉम द ए और इसकी अवे फ्रॉम द बी। जब दोनों आपकी अवे फ्रॉम ए और अवे फ्रॉम बी जा रही है तो फिर आपको ध्यान जाएगा दोनों सेम है और सेम है तो टोटल इंटेंसिटी आपकी कितनी आएगी, ईवन प्लस ई टू या ई ए प्लस ई बी। मेरी बात समझ में आती है? ऐसे आप बता, ये वाला पॉइंट देखें, इस पे आप देखना ई ए आपका कहा जाएगा अवे फ्रॉम इट और ई बी कहा जाएगा अवे फ्रॉम इट। जैसे आप ऐसा करेंगे वैसे आपको ध्यान जाएगा दोनों इंटेंसिटीज का डायरेक्शन अपोजिट हो गया होगा, यानी यहाँ रिजल्ट आपका क्या आएगा, ईवन माइनस ई टू। अब सवाल है E1 और E2 कहां से रखे जाएंगे, इसलिए मैंने कहा ये जो है जो आप कल कर रहे थे जो आप पूछ रहे थे उसी का एक सब पार्ट हो जाएगा, यही आपको दिखा दिए गए। एक काम करें, इन शॉर्ट हम कोई एक दिखा भी देते हैं एग्जांपल तौर पे, एक सिंबल हेडिंग डाल दो। क्या डाल दो, ये डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट्स। सिंबल हेडिंग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट्स और आ जाओ तुमसे निकलवाते हुए चलते हैं बड़े मजे से। अब ये काम करेंगे, अब आपका फिगर थ्री डायमेंशन में बनाएंगे। अब आपका फिगर मैंने सिंपल सा बना रखा है और ये सिंपल मैंने बना लिया। ये मान लेता हूँ आपकी प्लेट ए और ये मान लिया प्लेट बी। मैं सपोज कर रहा हूँ दोनों चार्ज है, चार्ज डेंसिटी दिखा देता हूँ, इसका रख देता हूँ प्लस सिग्मा वन और इसका रख देता हूँ प्लस सिग्मा टू। सही है, तीन पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करें, एक मान लो चले आप कंसीडर कर लें क्यू, एक आप कंसीडर कर लेना क्यू और एक आप कंसीडर करेंगे आर। बना दें छोटा सा फिगर इमीडिएटली, बस एक एक लाइन हम निकालते चले जाएंगे। श्रुति लास्ट टाइम क्लास नहीं ली आपने, क्यों? घर से ले लेती, घर पे किसने रोका था लेने से? अच्छा घर पे भी नहीं थी। चले बना लिया आपने डायग्राम, दो शीट्स बनाए सिग्मा वन सिग्मा टू और मैंने कहा दो आपके तीन पॉइंट्स निकाले पी क्यू आर। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट पी की। पॉइंट पी आपको नजर आ रहा होगा आउटसाइड द सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सही है, इसमें जो आपकी दो इंटेंसिटी आएगी ईवन का डायरेक्शन कहाँ होगा मुझे बताओ, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ईवन का डायरेक्शन होता है फर्स्ट प्लेट से जो आपकी इंटेंसिटी आएगी लेफ्ट जाएगी या राइट? लेफ्ट जाएगी। कारण समझ आता है, अवे फ्रॉम द शीट होगी, यानी ये हो गया आपका, मैं कह दूं ये रहा आपका ईवन, बिल्कुल सिंपल। अभी एक दूसरा सवाल पूछूंगा E2 मतलब समझ आ रहा होगा, प्लेट बी हम सेकंड चार्ज ले रहे हैं, इसका डायरेक्शन बताए कहाँ जाएगा सर? राइट। लेफ्ट या राइट? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी? आप ये पॉइंट पी पे चर्चा कर रहे हैं, लेफ्ट जाएगी। क्यों लेफ्ट क्यों जाएगी?
सही है, पॉजिटिव चार्ज की फील हमेशा कहा जाती है अवे फ्रॉम द चार्ज। सही है, आप जो राइट कह रहे हैं गलत कह रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, सारे न्यूमेरिकल जो यहाँ तक किए हैं सब साफ हो जाएंगे एक साथ, सबके एंगल ही बदल जाएंगे। सही है राहुल ना, देख ले कितना रिजल्ट आएगा आपका टोटल ई। अगर लिख दिया जाए ईपी इज इक्वल टू कॉल जो आ रहा है ई वन प्लस ई टू होगा, और ई वन प्लस ई टू निकालोगे ई आपको मालूम ही है कितना होता था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस, मैंने कहा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इतना आसान था, एक को वन मान लेना और एक को टू मान लेना, खत्म हो गया कार्यक्रम। और जो बचे क्या कितनी निकल आएगी आपकी ईपी, ईपी आपकी निकल आएगी कुल मिलाकर सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू और अपॉन मैंने कहा टू एप्सिलॉन नॉट, और एक मान बात होता था इट इज नॉट द डेरिवेशन इट इज द न्यूमेरिकल। हो जा रहा है क्यों न्यूमेरिकल, क्योंकि आप ऑलरेडी स्क्वायर ट्राइंगल इन सब पे चार्ज रख रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, केवल आपको फॉर्मूले को बदलना है, तो न्यूमेरिकल है आपके अंदर। कर दे फुर्ती से, पर पॉइंट की भी चर्चा करेंगे करते जाए साथ साथ। कर दिया हाँ ना बताएं यस ठीक। आज आप पॉइंट की पर चर्चा करेंगे इस बार, जैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे कर दिया आज। चलो था पॉइंट क्यू पर आपका इवन इवन सवाल आ रहा है ड्यू टू द प्लेट ए, प्लेट ए की इंस्टेंस है इंटेंसिटी या इवन किधर जाएगी, राइट या लेफ्ट, यही आता है कई बार वैल्यू दे देगा कई बार ऐसे ही पकड़ा देगा, समझ आ गया। जैसे आप करेंगे अबकी बार रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, अबकी बार रिजल्टेंट खुद ही निकाल सकते हो, ये हो जाएगा इवन माइनस बताए मिल गया सारा, बताए लास्ट पॉइंट बताए एट पॉइंट आर, अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर जाएगी, इवन बताए सही कह रही है आपकी नया जी, और जाएगा अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव ई टू आ जाएगी, ये भी आपकी जाएगी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव एलएफटी वाले मजेदार बात है, आपकी इवन और ई टू दोनों राइट हैंड साइड जा रही होगी, जब दोनों राइट हैंड साइड जाएंगे तो समझ आ रहा होगा अब की बार भी आपके दोनों का टोटल होना है, और टोटल होना है तो ई आर भी आपका कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, खत्म। नेक्स्ट और लास्ट निकाल दे, फिर एक छोटी सी बात और बताऊंगा, लास्ट वाला भी कैलकुलेट करें, फिर एक सिंपल सी चीज और देखते हैं आपकी। कर दिया टोटल, क्योंकि जब आप शीट पढ़ेंगे तो शीट में आपको जो है शीट की शीट में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये दायरा वाला पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये सही है ये भी सही है, यहाँ ध्यान देखें यहाँ पर जब शीट में मैंने लिखा है तो इसमें एक माइनस लगाया हुआ है, माइनस मैंने क्यों लगाया हुआ है मुझे बता पाएगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो मैं कैलकुलेट कर रहा था उसमें केवल वैल्यू दिखा रहा था,
ये डायरेक्शन भी बता रहा है, ये अगर डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये डायरेक्शन कैसा माना जाएगा, तो जो आप विद डायरेक्शन लिखेंगे तो आप इसे कैसा मान लेंगे, नेगेटिव, दिस नेगेटिव इज नॉट अप्लाइड ऑन द मैग्नीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ओनली। बढ़िया, ये आपको मिल जाता है। चलो इसी में एक मॉडिफिकेशन करता हूँ, मुझे बताओ 40 से केवल एक केस बताना, और ये तो कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, आपको बताना है, मुझे बताए मैं यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर कर देता हूँ माइनस सिग्मा टू, और जैसे माइनस सिग्मा टू करूंगा तो मुझे बताओ आपकी ईवन में क्या संशोधन होगा, मतलब ईवन सॉरी ये पॉइंट जो पी है आपका इस पे क्या मॉडिफिकेशन होगा बताए। ध्यान जा रहा है दो प्लेट है, अट्रैक्टिव होगा एक रिपल्सिव होगा। सही कह रहे हैं आप सूरज जी, आप बढ़िया, और आप भी सही कह रहे हैं ना, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं ना, आप सही कह रहे हैं, एक अट्रैक्टिव होगी और एक रिपल्सिव होगी, और जैसी बनाओगे कौन सी अट्रैक्टिव कौन सी रिपल्सिव होगी, ध्यान रखना एक पॉजिटिव चार्ज है यानी आपका इवन हो जाएगा रिपल्सिव, और ये आपका है तो ये हो जाएगा अट्रैक्टिव, इसका मतलब आपका यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा, वो रिजल्ट अब की बार आपका होगा इवन माइनस ई टू, यानी कि इवन माइनस ई टू, एक बार ध्यान रखना बस याद होगा, जब भी हम फोर्सेस या फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं मैं कूलॉम्स लॉ याद दिला देता हूँ, कूलॉम्स लॉ आपसे कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, इसलिए ये मैं याद दिला दूं यहाँ पर माइनस मत रख देना सिग्मा टू लिख दो वापस प्लस आ जाओगे, समझ आ गया क्यों, क्योंकि आप डायरेक्शन भी कंसिडर करोगे और माइनस भी, तो दोनों चीजें एक साथ थोड़ी ले जाओगे, इसलिए लगा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जब आप सिग्मा टू ले रहे हैं तो ये माइनस केवल नेचर बता रहा है, इट इज नॉट द वैल्यू, इसलिए इस सिग्मा टू को दोबारा माइनस मत कर देना वरना फिर वही वैल्यू निकाल लोगे जो गलत होगी, एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी आएगी नजर आ रही है, ये वैल्यू आएगी कर दें एक एक आप कर दें बाकी दो आप निकाल सकते हैं, एक मैंने कर दी ना, बाकी मैंने कार्ड इसलिए नहीं है कि वो यहाँ अप्लाइड नहीं है, एक दिखा दें बस, बाकी दो आप अपनी सुविधा अनुसार मजे से घर पे निकालते रहिएगा, वो आपका हेडेक है। निकाल लोगे अब तो बाकी एज पर दियर डायरेक्शंस। यस सर। एक छोटा सा फिगर बना के प्लस माइनस दिखा के एक पॉइंट निकाल दो बस, इससे आपको हिंट मिल गई, बाकी आप निकाल सकते। कर दिया कंप्लीट, यस सर हो गया सर। आपको एक पुराना फिगर था, चले अब हम एक लास्ट जाते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल पे जाओगे तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर कर दूं कि नॉट फॉर 2021 जरूर बता देता हूँ, आपके इस साल नहीं है लेकिन जरा सा एक पेज का डिविजन आधा पेज का है तो इतना कर लिया है तो आधा पेज कहाँ छोड़ के जाओगे, ठीक है, तो 30% रिडक्शन का भी ऐसे ही हुआ है, जरा जरा सी कुछ काट दी है और कुछ नहीं, हाँ एक काम कर दे एक सिंबल हेडिंग डाल दे यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, डाल दो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल,
आप यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बनाते हैं तो ध्यान से ना देखें, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। मैंने मान लिया आपकी कोई स्फेरिकल शेल है, रेडियस में सपोज कर लेता हूँ कितनी है कैपिटल आर, और एक काम करते हैं इसको हम करते हैं चार्ज, और ये मुझे से आप चार्ज कीजिए। जैसे आप चार्ज करेंगे तो एक सवाल बनेगा, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी? मेरा जवाब है बिल्कुल होगी। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो ध्यान देखें, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तीन अलग अलग पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिन तीन पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। इनमें से सबसे पहला पॉइंट मैं मान चलता हूँ लेट इट बी P1, यहाँ पर चेक कर लेंगे, आपके फिगर में कुछ और PQR भी होंगे तब की तब देखेंगे, ठीक है ना। मैंने सपोज कर लिया कौन सा पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट P1, ये P1 दिख रहा होगा, ये आउटसाइड द शेल है। ऐसे में जाता है दूसरा पॉइंट आप देखना, ये मैंने मान लिया कौन सा है P2, ये ऑन द शेल है। और एक तीसरा पॉइंट आपको दिखाता हूँ, तीसरे पॉइंट पर आप जाएंगे ये आपका है P3, और P3 की खासियत क्या है, ये कहाँ है आपका, तो ये आपका ध्यान जाएगा ये है इनसाइड द शेल। तीनों पॉइंट आपको एक ही बार में समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना। तीन अलग अलग कंडीशंस में मैं स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। तुम पहले एक काम करो, इतना फिगर बनाओ और फिगर में छोटा कर लो, मेरा ज्यादा बड़ा ध्यान, ठीक है। तो तुम इतना गोला तो खींची लो कम से कम, मुझे आ रहा जी। कैपिटल आर रेडियस की स्फेरिकल शेल बनाइए, और क्या करें उस पर आप मजे से चार्ज रखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलते हैं तीन अलग अलग केसेस में आनंद से। कर दिया इतने में तो कोई समस्या नहीं, शेल हो गया, तीन पॉइंट अलग अलग है, तीनों की चर्चा एक एक कर एक करेंगे करेंगे सब दिखा मैंने इसलिए दिए ताकि आप समझ में आ जाए। क्या करना है, कल आप दो केस कर रहे थे, कौन कौन से किए थे, एक प्लेन शीट की थी और एक शायद आपने इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर किया था, ये दोनों किए थे ना। अगर आप दोनों करते हैं तो दोनों की वजह से आपको क्या काम करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मार्क करनी थी। कैसा ध्यान जाता है, स्फीयर के चारों तरफ अगर आप गॉसियन सरफेस खींचोगे, स्फीयर लेंगे और यहाँ से तक का डिस्टेंस हम दिखा देंगे कितना डिस्टेंस है। मैंने सपोज कर दिया ये डिस्टेंस है आपका आर, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ दिखा दें चाहे नीचे दिखा दीजिएगा, आर तो आप कहीं भी दिखा सकते हो किसी भी, और ये ध्यान है आर से हमेशा छोटे आर से हमेशा डिस्टेंस लेते हुए जाएंगे 99.99% केसेस में। एक आध जगह कभी ऑड केस में बदलता हूँ, अदरवाइज नॉट। बना दिया आपने, अब आ जाए जिस मेन थीम पर, हम थे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आ रहे हैं तो सबसे पहले एक लाइन बता दिए, इसमें आप बताइएगा था गॉसियन सरफेस लिखते हैं नंबर वन, इसमें आप नंबर फर्स्ट आप बताएंगे द गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल, द गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल, गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल। और इतने सारे पार्टिसिपेंट सारे ऑनलाइन ही हो गए भाई, ठीक है। प्रियंका एक कागज का नाम नोट कर दीजा, पीछे नाम नोट कर दो, सबसे पहले तो अमन, उसके बाद लिखना अनमोल, दिव्या, और लिख दो कुसुम, नैन्सी,
आप लिख देंगे नेहा रितेश सौरभ और सूरज अनुष्का और युवराज और तो रह गया बेचारा एक आकांक्षा तो नहीं रह गई कोई और नाम रह तो नहीं गया चेक कर लेना चले लिख दे अब एक काम करें आराम से मैंने कहा था काम लेंगे यहाँ पे P1 P2 P3 जो मैं था इस पता पहली चीज आपको गॉसियन सरफेस कैसी मिलेगी आपको स्फेरिकल और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल मिल रही है तो कल वाली कहानी से स्टार्ट करेंगे कहाँ से बनाओगे फ्रॉम गॉसेस थ्योरम जब आप गॉसेस थ्योरम की बात करेंगे तो अपने पास क्या होना चाहिए y is equal to superficial integral वेक्टर UVS is equal to आपका आना चाहिए q upon epsilon naught ये आएगा आए देखें ध्यान से इधर एक मिनट में एक काम कर देना एक हेडिंग और डाल देना नंबर ए आप डाल देना आउटसाइड द शेल दोनों भूल गया गलती से क्या अटेंडेंस देख लेगा तो ध्यान देना नंबर ए हेडिंग आप डाल देना आउटसाइड द शेल और आउटसाइड द शेल में उसमें आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आर ग्रेटर देन ए आउटसाइड द शेल में आप डाल देंगे आर ग्रेटर देन ए आर ग्रेटर देन ए समझ आ रहा है जो आपका डिस्टेंस है अपन ने ए लिया अच्छा कैपिटल आर लिया सॉरी तो आप डाल देंगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर तो हमारा डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज्यादा है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर अब आ जाए वापस जैसे आप गॉस थ्योरम लगाएंगे एक सिंपल सा काम करता हूँ गॉस थ्योरम का जैसे इस्तेमाल करोगे क्या होगा देखो ध्यान से इंटीग्रल डीएस आपका हो जाएगा एस और वेक्टर फॉर्मेट की वजह से आपका आएगा कुछ ना कुछ कॉस और बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आओ इस कॉस की तलाश करते हैं कल की तरह देखो जब एक मिनट अब इधर देखें बहुत ध्यान से जब आप इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये आपका पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी ये आपकी जाएगी आउटसाइड या आउटवर्ड ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी चीज ये आपका सरफेस सरफेस का डायरेक्शन कहाँ होता था सरफेस का डायरेक्शन कल आप बता रहे थे नॉर्मल टू द सरफेस होता था और इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचोगे तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ चाहे एस लिख दें और चाहे डी एस लिख दें तो अपने फिगर में अब ई और एस दिखा दें दोनों जो आपका फिगर है इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे आउटवर्ड और सरफेस वेक्टर भी कैसा दिखाएंगे उस पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस दिखा दें फुर्ती से अपने फिगर में अब इसका रिजल्ट क्या आएगा ध्यान जा रहा है क्या आपको ऐसा दिख रहा है ई और एस दोनों का डायरेक्शन सेम है और एक मजेदार बात आता हूँ जब कल आप गॉस थ्योरम प्रूव कर रहे होंगे तब भी ई और एस एक ही डायरेक्शन में आए होंगे इस ईयर के लिए वहां भी ई एस कॉस जीरो का ऐसे आप याद भी रख सकते हैं समझ में आ रहा होगा जहां आपका कॉस कितना आएगा इस केस में जीरो और अगर जीरो आ रहा है तो दैट्स ऑल फॉर दिस मुझे बताएं कॉस जीरो तो वन में जाएगा सरफेस का एरिया कितना होता है स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे तो फिर आपका कितना निकल आएगा ये आपका निकल आएगा रियाज तब कर लोगे बस क्रम से लिख देना ज्यादा है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बस इसलिए हम उसको एक साथ लिख देते हैं मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट होने का क्वेश्चन होगा बताए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ लें एक मिनट में बताओ ये
कर दिया कंप्लीट। चले एक नेक्स्ट चले आए, अब आप चले आए इसकी कंडीशन नंबर बी, और कंडीशन नंबर बी आप जाएंगे एट। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एट सरफेस ऑफ शेल। जो आप सरफेस ऑफ शेल पे आते हैं आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं दिखा देता हूँ, देखे ध्यान से कि आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट पे आपका डिस्टेंस और रेडियस इक्वल होंगे। एट द सरफेस की शर्त ही होती है आर इज इक्वल टू आर होना चाहिए, और अगर आप इतना रख देते हैं तो बस कितना रख दोगे आप आर इज इक्वल टू रख दें। जैसे आप रखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं आर इज इक्वल टू आर रखोगे तो आप चले आएंगे फ्रॉम ए, ये आपका ए कितना आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में मजेदार बात आर स्क्वायर कर रहे हैं फुर्ती से एक सेकंड के अंदर। फिर एक महान बात और बताऊंगा, खास बात क्या नजर आएगी कि आपको ऐसा नजर आ रहा है कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर अपनी स्फेरिकल शेल की रेडियस है, कैपिटल आर डिस्टेंस नहीं है। और अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से क्या, तो ऐसा ध्यान है फोर पाई आर स्क्वायर ये आपके शेल का एरिया है, यानी आप कह सकते हैं ध्यान देखना यही हो जाएगा क्यू अपॉन ज्यादा हो तो बता देना। एस क्या है आपका, मैं लिख देता हूं, चलो छोड़ो क्या लिख दू, सरफेस एरिया ऑफ शेल, और जैसे आप सरफेस एरिया ऑफ शेल लिखते हैं फिर याद करें क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन एन, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल सही। ये आपका हो जाता है क्यू इज इक्वल टू, इसको रखिएगा आप सिग्मा, और मजे से आप बताएंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके लिए आ जाएगा वेयर सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, सही है। तो मैंने कहा अगर आप बोर्ड एग्जाम में अकेले जा रहे हो तो इसको छोड़ दीजिएगा, और अगर आप कुछ और की तैयारी में हो तो फिर पढ़ लीजिएगा, कोई खास उसमें ज्यादा मेहनत पड़नी नहीं है, ठीक है। एक लास्ट कंडीशन और आपको दिखाते हैं, और लास्ट हम जाएंगे कंडीशन नंबर सी, ठीक है। और चलो अर्पित शर्मा तुम उठ के सारी बेंच पे आ जाओ, और जैसे आप इस पे आते हैं तो मैंने लास्ट आप देखिएगा, अगर हम जाते हैं इनसाइड द शेल, लास्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा था वो भी आपको मालूम है इनसाइड द शेल, और जैसे इनसाइड द शेल की बात करोगे तो देखो ध्यान से एक प्रकार देखे इनसाइड द शेल आपका पॉइंट पी थ्री है, मैं इस पॉइंट पी थ्री के लिए आपकी गॉसियन सर्कल बनाता हूँ, अब आप भी बना दे मजे से। उससे अगर जगह नहीं हूँ कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा शेल बना के दोबारा बना दू, नहीं आया समझ में, अगर वो फिगर बना हुआ उसमें जगह नहीं हो तो इस फिगर को केवल काले वाले को बाहर वाले मत बनाना, केवल शेल और अंदर वाले डॉट 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 आप दोबारा बना सकते हैं, यानी मैं उस फिगर को दोबारा दिखा दू। अगर बाई दफे आपका जगह नहीं बची है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे आप इस फिगर को ऐसे फिर से बना सकते हैं, ये आपकी आर वाली शेल है, कोई समस्या हो रही उसका इलाज 90% कर दूंगा, और ये आर और ये आपका होगा तीसरी जगह हो तो वही बना दो, नहीं है अलग से बना दो, दिखा रहे हैं कहाँ है बस खत्म, चाहे जो बना दो जो तुम्हारी इच्छा हो। बन गया तो एक बात, गॉस थ्योरम की एक सेकंड कंडीशन बताई होगी वो क्या थी, गॉस थ्योरम में आपको एक कंडीशन बता रहे थे कल क्या थी,
जीरो होती है सर। सर जीरो आएगी इनसाइड के, इनसाइड में इतना भयानक शोर वाला माइक कहां से लाया, अरे कान फट गए। सर ये अगर जीरो आएगी और कहां से दिखाया था, देखो मैं दिखा देता हूं। अपन ने दिखाया था यहां इधर दिखा रहे थे, चार्ज आपका किसी भी सिमेट्रिकल सरफेस के आउटसाइड है, और उसके पहले हमने दिखाया था एक ये वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ये रही चार्जेस आउटसाइड द सरफेस, हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। आउटसाइड द गॉसियन सरफेस होगा तो आपका फ्लक्स बराबर कितना होता है? जीरो। इसलिए कहा कंडीशन ये आप कल पढ़ चुके हैं, और जैसे आपको नजर आता है कि आप ये कंडीशन पढ़ चुके हैं, वापस आ जाए अपनी जगह पर। कहां थे आप? मुझे लग रहा है यहाँ कहीं इस पर गंदगी फैला रहे थे, पर है ना। बस एक काम कर दे, लास्ट कंडीशन चले आए इनसाइड द शेल और एक लाइन लिख दे। इसमें आप लिख देगा द चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल, लिख दे द चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल फॉल्स आउटसाइड, द चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल फॉल्स आउटसाइड, चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल फॉल्स आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, फॉल्स आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। देख रहे क्या प्रश्न नजर आता है? जितना भी ये काला काला चार्ज है ये सब इस रेड सरफेस के बाहर है, और अगर बाहर है तो गॉस थ्योरम आपको मालूम ही है, नीचे बता देंगे दस द फ्लक्स लिंक्ड विल बी जीरो, just the flux linked will be zero. और flux linked will be zero का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा phi z equals to integral EDS बराबर q upon epsilon not नहीं zero आएंगे। और जैसे ही zero आते हैं वैसे एक खास बात, दो numbers का product तभी zero होगा जब either of the two is zero। मजेदार बात है, ds surface area zero नहीं है, क्योंकि surface area तो कुछ ना कुछ है, तो फिर आपको क्या खास बात मिलेगी? ठीक, क्या आपने इतना लिख दिया? हाँ ना, आराम से देखा है phi z equals to superficial integral vector e dot vector ds zero, यानी e बराबर आप कह सकते हैं zero। और जैसे आप इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं उसके बाद एक लाइन लिख दीजिएगा दस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है तो अब एक छोटा सा काम करें, आपने पीछे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी होंगी, पलटे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लास्ट की दो या तीन प्रॉपर्टी जो लिखी है उनको देखें। देखा एक बार भी पिछले की टर्न लिखूंगी, एक दो तीन टर्न का कारोबार है फील्ड लाइंस का, फुर्ती से कॉपी में ही देखा, कॉपी में जल्दी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पलटे तो आपने क्या प्रॉपर्टी लिखी है, जरा लास्ट वाली प्रॉपर्टीज देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो तभी होती है जब वो रेस्ट पे हो चार्ज। सही कह रहे हैं, और उसमें आपने ये लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ जो सेकंड या थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। देखो प्रियंका वो फील्ड लाइन ही निकल रही है, बोली मेरी लाइन ही जीरो है। ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी कॉपी में क्या लिखा यही नहीं मिलता। They do not exist inside a conductor. सही पढ़ रही हैं आप, do not exist inside the conductor यही लिखा था। और क्यों लिखा था? आगे कारण भी लिखा था, आपने लिखा था electric field lines conductor के अंदर exist नहीं करती, क्योंकि conductor के अंदर electric field होती नहीं है, zero होती है, तो lines कहाँ exist करेंगी। और इसी चीज को हमने वहां आपसे कहा था कि इसको हम आगे जाके प्रूव करेंगे, इसलिए मैं कहा था इस बात को मैं अभी फिलहाल अपन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी जीरो होती है। फिर मैंने कहा था लास्ट में जब जाओगे चैप्टर के एंड में दैट विल गेट प्रूव, और इसीलिए आपको ध्यान आएगा इसी बेसिस पे हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हमें याद आ गई।
आपसे कहा था कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को ऐसी किसी जगह इस्तेमाल करना है जहां हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो आपसे कहा था केविटी या शील्डिंग बनाना, क्योंकि तो किसी भी आपकी इलेक्ट्रिक मेटेलिक बॉडी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो। और एक तीसरा एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ आपसे, तुम ज्यादा कार में यात्रा कर रहे हो और बिजली गिरने वाली है, डेटा शील्डिंग और केविटी, इसे बिल्कुल आपको याद आना चाहिए, बड़ा पढ़ते रहिएगा, मैं साफ बता दूं। अब यहाँ पर आप ये सोचिएगा कि आपको रिवीजन रिवीजन का चांस मिलेगा, आपको खुद को नहीं मिलेगा, हमें तो छोड़ो, इसलिए रेगुलरली करते रहिएगा। और इसीलिए आपके लिए चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म है, ये हमने सारी चीज निकाल दी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपने इनसाइड निकाला है, ई बराबर जीरो, और बताएंगे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक छोटी हेडिंग डालिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस इसको आप समझा दूं एक सेकंड में, फिर आगे बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो देखें ध्यान से, मैं आपकी इंटेंसिटी को दिखाता हूँ विद द डिस्टेंस, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाओगे तो सबसे पहले आपका ई और ये आर डिस्टेंस के साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखें ध्यान से, हम मान के चलते हैं कि आपका एक रीजन में लेता हूँ जहाँ आपका आर ग्रेटर देन आर है, यानी आप ऐसे डिस्टेंसेस पर है, हायर डिस्टेंसेस, जहाँ आपका डिस्टेंस क्या है, रेडियस से ज्यादा है। अगर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो क्या आपको ध्यान है, अभी आपने एक बार पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, E बराबर होगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसका मतलब क्या आया, E और R स्क्वायर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं, E और R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, मतलब समझ में आता है जितना आपका R ज्यादा होगा आपकी इंटेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे R आपका कम होता जाएगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और एक लास्ट काम जो आपने पढ़ा है 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं, या का तो काम ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ध्यान से, आपको दिख रहा है दियर इज आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर होने का मतलब ये है, बताओ अरे पैराबोला इक्वेशन तो दाओ फुर्ती से, जी थोड़ा मैथोडिक सवाल है, बिल्कुल तुरंत आनी चाहिए। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैथोडिक सवालों को, ऑनलाइन वालों से बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ऑफलाइन वालों में बात करता हूँ। चलो पैराबोला, और मैंने कहा चलो एलिप्स, और चलो एलिप्स ले छोड़ो, चलो तुम तो सर्किल की इक्वेशन बताओ, सही कह रहे हो, फिर से बताओ, फिर से बताओ एक बार, और एक छोटा सा छोड़ गए प्लस सी, तुमने सी जीरो कर दिया है, सही है सर, पेंडुलम की बताओ, अपनी इक्वेशन बता देते हैं, इसकी रेडियस बताओ कहाँ होती है, रेडियस इस वाले सर्कल की कितनी होती है बताओ सर, माइनस जी माइनस टू जी माइनस टू एफ, नहीं जी 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 कैसी गंदी गंदी बता रहा है सर, माइनस होल स्क्वायर मतलब दोनों का, यस सर, सेंटर को डाला है, ऐसा कुछ होती है मुझे ऐसा याद है सर, मैं सेंटर की पॉइंट बताया था, माइनस जी माइनस एफ,
माइनस एफ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट बता रहा था सेंटर के, तो कह रहा था yes, सेंटर बता रहा है। हाँ आप सही बता रहे हो, थोड़ा दोबारी मैथमेटिक्स गड़बड़ समझ में मतलब। और सर पैराबोलिक बताओ, बताओ सर y इज इक्वल टू 4ax, 1 बराबर 4ax सर y, अरे सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4ax y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। एकदम झाड़ू चला के पढ़ा कि नहीं पढ़ा सब, अरसा तो होगा, अरसा नहीं हुआ सिर्फ बरसा हुआ, ओनली बरसा नॉट अरसा। सर डेढ़ साल हो गए बड़े हुए, डेढ़ साल हो गए बेटा तुम्हें बात भूल गए, तुम सब लिखते हो, तुम्हें मैथमेटिक्स जब ली होगी ना लास्ट ईयर तो अपने अपने पापाओं को मूंगफली पकड़ाई होगी। हाँ सही कह रहा हूँ, क्यों ले रहे हो मैथमेटिक्स, आईआईटी करेंगे देखा नहीं मैंने, शुभ नक्षत्र में पैदा हुए, आईआईटी से कुछ बात ही नहीं करते हम। अब बता रहे हो अब तुम पैराबोला गए, पैराबोला बता रहे हो अंदर शुभ नक्षत्र के जन्म सुपुत्रों और सुपुत्रियों पढ़ते रहना, जैसी जैसी सफाई मिलेगी तो हम जैसा आदमी कहीं पूछ लेता है, एक सेकंड के अंदर बता देता है कि ऐसे काम ही चलेंगे। बोलो बोलो तुम क्या पूछ रहे हो, प्रियंका भाई पूछो, एसेंट्रिसिटी आएगी फिर आपका वो आता है लेटस रेक्टम आते हैं, बहुत कुछ आता है बेटा, एल आता है, सब आते हैं, और इस सब आपने पैराबोला और ये पढ़े हैं, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, हाइपरबोला नहीं हुआ शायद, हाइपरबोला है हमारे पास, हाइपरबोला भी है यस सर, तो हाइपरबोला तो नाम से ही हाइपर है, मतलब तुमने वैसे ही छोड़ दिया नाम ही हाइपर है, उसकी भी याद है क्वेश्चन। चलो ठीक है आ जाओ तो वापस जाते हैं, ये आपका कर ध्यान देखें, और एक महिला बताता हूँ, ये जो कर वापी बना रहा हूँ, जो आपका कूलॉम्स लॉ बना रहे थे उस समय भी ये ग्राफ ड्रॉ किया था, भूल गए होंगे, इसलिए कहा बिल्कुल फिजिक्स कम से कम ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही आपके यहाँ फेवरेट है, और इसीलिए नंबर बता दें सीबीएसई बोर्ड में गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे दिए जाते हैं कंसेप्ट बेस। ये जो ग्राफ मैं सर बना रहा हूँ, एफ प्रोपोर्शन 1/r² मालूम है कहाँ बना है, आपकी शीट के पहले दूसरे पेज में बना होगा, जहाँ वो बालों में घसीट कर पेन घिस घिस के तुमने चार्ज डेवलप किया होगा, उसके एक आध पेज बाद लॉन्ग लॉन्ग होगा तभी बना है। ठीक है तो शीट है यहाँ मत पलटा करो, घर पे भी पलट लिया करो कई बार, इसलिए दी जाती है। एफ लॉन्ग का बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया होगा फोर्स का, और यही आता है क्या होगा, और इसी बेसिस पे वहां भी समझाते थे, मैं दोबारा समझाया बेटा, इसके बाद अगले चैप्टर्स में आएगा तो पांच ही बार थोड़ा समझाने आएंगे, सीधा बता देंगे f प्रोपोर्शनल 1/r² और ध्यान देखना वहां एक सावधानी और हम बताते थे, उस सावधानी में मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखें, जो सावधानी होती थी उसमें मैं इस ग्राफ को और थोड़ा लंबा कर देता हूँ ताकि आपको मजे से समझ में आए, और तब एक सावधानी बताई थी, वो बताया था ये जो आप ग्राफ बनाएंगे जरा से मैं आपके एग्जाम में आधुन काट के अलग कर देता है, अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी ठीक हुआ तो, ये कहा था ये ग्राफ आपका पैरेलल जाएगा, क्यों पैरेलल जाएगा समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके r² पे डिपेंड कर रही है, सही है, लेकिन अगर आप e बराबर 0 चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में आपको इन्फिनिटी चाहिए, और इन्फिनिटी पे ज्वाइन करने वाली लाइन कैसी होती है, पैरेलल, याद रखिएगा बिल्कुल। अब एक लास्ट कहानी आते हैं, इसमें आप ध्यान देते हैं, इस पॉइंट इस रीजन में आपका ये था, जैसे जैसे आर आपका कम हो रहा है इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, नाउ यू विल रीच द पॉइंट वेयर, यहाँ मैं दिखाता हूँ ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ आप रेडियस इस पर पहुंच गए डिस्टेंस में, सही कह रहे हैं आर इज इक्वल टू आर, जब इस पर आप पहुंचते हैं, इस पर आपने इंटेंसिटी निकाल रखी है, इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, चेक कर लो, याली निकाली एक सेकंड पहले तो वैसे याद होनी चाहिए, हाथ में पेज लिए बैठे हो, कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब सवाल है अंदर कितनी हो जाती है, अंदर बताओ
अंदर जीरो का मतलब चार्ज इतना यहाँ से जैसे ही तुम मुंडी डाल के अंदर झांकोगे, ऐसे बात करता हूँ ना, जैसे ही तुम इसके अंदर मुंडी डालोगे तो समझ आएगा इंटेंसिटी सडनली कितनी हो जाएगी, जीरो। और इसके बाद जीरो चलेगी तो अब जीरो चलती नहीं दिखाई जाती, जीरो तो हो गई खत्म। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट दिख रहा होगा, ये इनसाइड पार्ट है जहां पर आप है आर लेस देन आर में बनाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ सीख लीजिएगा मजे से एक दो बार में। हमारे यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ प्लॉट करने के आते हैं, सही है, और इसीलिए लास्ट ईयर से ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। हाँ आप नहीं सीखे तो आपको जरूर लगता। चले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाता है। पहले आपका 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट और उसके जस्ट बाद कितना हो जाएगा, जीरो। सो दैट विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बाकी मैंने कहा आपकी शीट में बना हुआ है तो इसलिए बनवा देते हैं हाथ से, ताकि एक बार आपको मजे से समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं निकले आप, ठीक है। तो रफ कार्यक्रम है, बाकी आपका जो शीट है वो ये है, ये दिखा रहा है बराबर जीरो आर आर कहाँ कैसे डिस्टेंस फॉलो, सही है ना। अब आपका जो है बता दें, एक तो शो सूचना आपको दी जाए, है ना, चैप्टर तो खत्म ही हो गया अपना पहली बात, और इसलिए शो सूचना ये है कि आपका टेस्ट रहेगा, और टेस्ट आपका कल रहेगा। टाइमिंग बता देते हैं, कल आपका रात में लेंगे मजे से। हाँ तो और बताओ लास्ट में क्लास कितने बजे तक रहती है? सर कोचिंग भी नहीं हो गया, सर कोचिंग में टेस्ट नहीं हो गया। तू कोचिंग में आता है, मैं टेस्ट नहीं हो तो आएगा है नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये कल रात रिकॉर्डिंग, कल नाइट टेस्ट लेंगे। चलो तो बताओ शाम में मेरे ख्याल है 7:30 तक सब फ्री हो जाते होंगे। यस सर। किसी और का कोई बैच तो नहीं 8 बजे के आसपास? 8 बजे तक हो पाते। आठ पुष्पेन सर की 8 बजे खत्म होती है। 8:30 कर दूं? कोई समस्या नहीं है। 8:30 से आपका टेस्ट रहेगा, वैसे तो 9:30 लिख दिया है, बाकी तुम्हारा तो बता दें 9:15 तक फ्री हो जाना चाहिए। 8:30 से 9:30 टेस्ट रहेगा आपका, टेस्ट लेफ्ट पर होगा, और टेस्ट में आपके दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक आपके होंगे फिल इन द ब्लैंक, तो इनको तो तुम खैर फिल कर नहीं पाओगे, तो फिल तो हटाओ, ब्लैंक ही ब्लैंक रहेंगे। हाँ तो आ गया, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइम, सवाल के कीजिएगा। हर सही उत्तर पर आपको मिलते हैं 4 अंक, परंतु हर गलत उत्तर के साथ आपके काटे जाएंगे 1 अंक। और इसीलिए हमने अभी 10th वाला का टेस्ट लिया था, उसमें रिजल्ट आया -2। हाँ तो क्या आदत होती ना, कुछ 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 नहीं करनी, देख कर लगाने दे। इसलिए पहले तो बॉल ही कर दिया। अब कल आपका 8:30 से 9:30 टेस्ट रहेगा। टॉपिक मैं बता देता हूँ, टॉपिक आपके कहाँ तक कवर होंगे, आपका कूलॉम्स लॉ ले लेंगे, चार्ज इंडक्शन इंडक्शन जो शुरुआती है, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, और चलो आपका डाइपोल तक ले लेंगे। तो इसमें हम डाइपोल तक के टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। कब इसलिए किए हैं ताकि एक बार आप आराम से इनको हल्का सा पढ़ सकें। इसके बाद परसों रात में फिर से एक प्रक्रिया दोहराएंगे, और इसके आगे फ्लक्स और गॉसरों और इन सब के लिए रिपीट कर देंगे। ओके, कोई डाउट तो हमें बताएं, ठीक। सब बढ़िया, घर में बैठिएगा, और भैया नए टैंक की व्यवस्था करके रखना, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, है ना। तो क्योंकि कोई जाएगा, हमारी मम्मी घर घर की कहानी देख लेती है, हम क्या कर लें। चले आ जाए लास्ट में, बता रहे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप बताते हैं, देखे ध्यान से। ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड्स चेंज, हाँ इस चैप्टर से रिलेटेड दो चीजें बताता हूँ, बहुत ध्यान से मुझे सुन लें ताकि बाद में आपको डाउट नहीं हो। नंबर 1, पहली बात तो जो मैं कहता हूँ आपका चैप्टर लगभग फिनिश है, और लगभग फिनिश मैंने इसलिए कहा कि एक आध दो छोटी छोटी चीजें बची हैं, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स बचे हैं, कुछ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके बचे हैं। शीट्स आप सबके पास मौजूद है, आज मैं कुछ न्यूमेरिकल और कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी आप जो मैंने कहा
एक बार शीट से करके रखिएगा ताकि अगले टर्न पर मैंने टोटल एंड कर दें हाफ एन आवर के अंदर, क्योंकि हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जिनमें आपको कोई डाउट होगा, जहां सिंपल क्वेश्चन फंसेंगे उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे बेटा, इतना टाइम अपने पास इस बार है नहीं। दूसरे नंबर पे आप देखना, तो इसने कहा ये तो आपका चैप्टर फिनिश अप हुआ नंबर वन, पर्याप्त न्यूमेरिकल आपने कर दिए इस चैप्टर में, एज आई होप सो सफिशियंट कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ सवाल जो हम कहते हैं आप जो पिछले कुछ अच्छे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है उनको आप कहाँ झेल लोगे, उनको आप झेल लोगे जो अपन लेंगे ऑनलाइन टेस्ट उसमें आप उनको झेल लेंगे, उनके थ्रू आपका सॉल्यूशन आज हो जाएगा ये तीसरा। और तीसरी चीज आपको बचेगा एक एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बता दें सिमिलर टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमने लगभग लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सिमिलर टू इवन देन फॉर दी एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक वीडियो लेक्चर जिसमें आपका केवल और केवल फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। तो चूंकि मैंने कहा सिमिलर क्वेश्चन हम इतने ज्यादा कर चुके हैं कि उनमें आपके अटकने का सवाल नहीं, एक आध में अटक सकते हो दैट्स ऑल, इसको आप आराम से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर आपको अभी नहीं दिया जाएगा, ये लेक्चर आपको दिया जाएगा 9 नवंबर को, डेट फिक्स है क्योंकि आपके बता दें ये नवंबर के सेकंड वीक में दिवाली है, तो आप दिवाली पे हम जाएंगे वन वीक हॉलीडे पे, लेकिन इस बार की हॉलीडे हमारे लिए रहेगी तुम्हारे लिए नहीं रहेगी। पहले हम दोनों की विवाह करती थी 7 दिन छुट्टी, इस बार मैंने बहुत पढ़ा लिया, लगातार पढ़ा रहे हैं अप्रैल मई से, सही कह रहे हो ना, हाँ कंटिन्यूस क्लास ले रहा हूँ, इसलिए अब मैं ब्रेक पे जाऊंगा। उस ब्रेक के दौरान आपको 9 नवंबर को इसका वीडियो लेक्चर मिलेगा और इस बार 11 नवंबर को आपको कायगा मिलेगा, वो आपको मिलेगा जो आप कैपेसिटेंस वाला सॉल्व कर रहे हैं उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, और तुम्हें देखते रहो इसलिए बीच में आपका 10 तारीख को 12 तारीख को आपके टेस्ट रहेंगे। चौदह को तुम दिवाली मना लेना, इतनी मैं तुम्हें रिलैक्स दे दूंगा, टेंशन मत लो, 14 की दिवाली है ठीक है आ जाए, तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे। और ये कार्यक्रम अपना बिल्कुल आपको याद रखना, आए हम इस पर बात करते हैं, चलो आदि तो मैंने गंदगी मचा ली इतने में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड्स दिस एंड दिस सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक रेक्टेंगुलर सरफेस जो है वो आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है। आपसे कहता है सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्या आपका जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल आपका एक 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जा रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फाइंड द फ्लक्स। लग रहा है इससे छोटा और सस्ता क्वेश्चन आपको मिलना भी नहीं चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे क्या था, चलो पूरा लिख देता हूँ पहले एक बार, आप सही कह रहे हैं मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिखते हैं चलो, आपका डी फाई बराबर था हम कहते हैं आगे कितना हो जाएगा, यस कॉसी का पूरा ले लोगे तो सरफेस पूरी ले ली। अब जरा ध्यान देखो क्या तुम्हें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है, साइन किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देखो 25 वोल्ट पर मीटर है एज इट इज इस्तेमाल होगा, क्योंकि वोल्ट और मीटर आपके याद है एसआई यूनिट्स हैं, और वोल्ट और मीटर ये आपके दोनों है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 25 वोल्ट पर मीटर। एरिया, एरिया जरूर आपको देखना पड़ेगा, रेक्टेंगल की साइड भी है, रेक्टेंगल का एरिया मालूम है किसी को, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ। और एक खराब काम ये है कि दोनों सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना, या तो डिवाइड बाय 100 करना, नहीं तो मैं तो अब एक काम करता हूँ सीधा 10-2 10-2 यानी कुल मिलाकर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10-4 से, बिकॉज एट द डे आई एम टीचिंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स नॉट द 10th और 11th, 11th में करते थे अपॉन 100, आप क्लियर नहीं करेंगे ये मान के चलेंगे आपने पिछले साल बेटा से सीख लिया। और लास्ट काम क्या था आपका, थीटा कितना दिया था 60 डिग्री, 60 डिग्री आप करेंगे तो दैट विल बी cos 60 1/2, सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर आप इतना करते हैं तो कुल मिला के ये इतने फ्लक्स यूनिट याद दिला देता हूँ, सिंपल यूनिट याद रखिएगा, वैसे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में वेबर याद रखेंगे,
कर दें आराम से एक सेकंड के अंदर फुर्ती से, और देखें कितना आ रहा है। सर 1.5 1.5 1.5 1.875 × 10⁻¹⁴ 1.875 × 10⁻¹⁴। बढ़िया, अगर आपने इतना किया तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि आप 12th में हो सकता है आपका आधा एक छोटा सा नंबर एक छोटी सी गड़बड़ से कट जाए, डिपेंड करता है कॉपी कौन चेक कर रहा है। इसको जब आप लिखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आप लिखिएगा 1 point, याद आ गया। जब भी आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज द डेसिमल इज टू बी यूज्ड आफ्टर वन प्लेस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बेटा। और कहा देख, पहले तो मैं बताता हूँ एग्जांपल, आप इतना कर दो फिर बताता हूँ सी को एक मिनट में, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपके जितने हम कहते हैं एग्जामिनेशन होंगे, जिनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, उनमें आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, अपना ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, और आप सोचते रहेंगे बोले यार 10⁻¹ वाला ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं। कर दिया शुद्धि कंप्लीट? नहीं किया, कर दिया। तो मैंने कहा जब आप जाएंगे तो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं दो चीजें याद दिलाता हूँ, पहले प्रैक्टिकल याद दिलाता हूँ, ध्यान से देखें। प्रैक्टिकल में मुझे जो डिजिट तुम्हें याद हो मुझे बताओ, एवोगैड्रो नंबर किसी को याद है कितना? 6 point, ठीक है, जो भी आगे 10⁻¹ छोड़ा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है 1.6 something, इलेक्ट्रॉन का मास याद है 9.1 × 10⁻¹ something, याद आ जाते हैं। और भी बोले ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ पाई, समझ में आ गया? जरा देखो ध्यान से, इतने क्लिक कर गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी काम करना, लास्ट ईयर 11th में जो हमने पढ़ाया, वैसे तो हमने पढ़ाया है पर तुमने नहीं पढ़ाया है, एक बात अलग है, 11th की शीट चेक करना मेजरमेंट वाली, उसमें एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चार लाइन का, उसमें ये चीज आपको बताई जाती है। तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप डेसिमल कितने पॉइंट बाद लगाते हैं, या इसलिए याद रखिएगा इस आंसर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, अगर देखें जो जाएगा मेरा अंदाजे कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। क्या कह रहे बोलो दोस्तों, इसको फिर लास्ट चाहो तो एग्जैक्ट डेसिमल कर सकते हो और वो कितना हो जाएगा, लेकिन जब भी लिखना हमने कहा ये ध्यान रखना 3 या 4 नंबर मत लेना पावर के साथ, सिंगल डेसिमल इस्तेमाल कीजिएगा, सिंगल प्लेस। चले तो ये हो गया आपका कंप्लीट, इतना सिंपल क्वेश्चन ये तो आ जाएगा। आए तो कुछ और मनोरंजक क्वेश्चन पे जाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 coulomb, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बताइए जो एक चार्ज 1 coulomb से ओरिजिनेट हो रही हो, क्या जानना चाह रहा है? फ्लक्स जानना चाह रहा है, इस बार क्वेश्चन छोड़ा था घुमा के दे दिया है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अब कोई बैठा बैठा सोचता ही रहेगा लाइन्स कैसे गिनूंगा, मैंने कहा भैया लाइंस का मतलब होता था फ्लक्स, फ्लक्स कितना होता था, यही होता था, ध्यान है, इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन एक नंबर लाया किया है। और कितना होता है चार्ज 1 coulomb दिया है और एप्सिलॉन नॉट याद है किसी को? 0.854 × −12 याद नहीं होती, यूनिट है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ जरूरत नहीं है तो आप पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। चिंता मत करो, कल इतिहास में ऐसी सब छोटी छोटी बातें पूछूंगा। क्या कह रहे हैं, नहीं खेल रहे
छोटी छोटी बात है, बड़ी बड़ी पूछो, बड़ी बड़ी। निकाल लेंगे, चले मार के चलते हैं, आप निकाल लेंगे, मार के बढ़ता हूँ। लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक आपकी लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस मच। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब समझ में आ रहा है क्या चीज आपको गिवन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब आपको सिग्मा गिवन है, बढ़िया। और कह रहा है लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, अच्छा एक मजेदार बात है, एक्स वाई प्लेन में है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस दिस मच। एक सर्कुलर एरिया की रेडियस दे रहा है और कह रहा है नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मुझे लग रहा है ये भी पहला क्वेश्चन रिपीट है। क्या करना पड़ेगा ध्यान यार, आपको थीटा गिवन है, आपको एरिया के लिए रेडियस गिवन है, आपको सिग्मा गिवन है, क्या जानना चाह रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया दिस मच और एक लाइन चार्ज की आपकी चार्ज डेंसिटी इतनी दी है, क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे इन फाइनल प्लेन शीट का? सही कह रहे हैं, एक काम करेंगे आप रखेंगे फ्लक्स बराबर कितना होगा, ये होगा डायरेक्ट लिख देता हूँ ई एस कॉस थीटा। अब फिर से निकाल डालो सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस, यानी रेडियस यानी एरिया की हिंट दी है पाई आर स्क्वायर, थीटा यानी कॉस थीटा डायरेक्ट दे रहा है। समस्या ये हो रही है ये ई कहाँ से आएगा, ई तो कहीं दी नहीं है यार। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं और सूरज भी सही कह रहा है मेरे कान में, दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। इसका मतलब है फाई इज इक्वल्स टू होगा सिग्मा अपॉन, अब ये याद करो सिंगल शीट है, सिंगल शीट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, बस एक छोटी सी स्लिप थी वो चेक कर लेना, समझ आ गया? सिंगल शीट में जरा इंटू एस, एस का मतलब हम लेंगे पाई आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, अब इसके आगे नहीं कर रहे। इसके बाद आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दिस। कर लेंगे हाँ ना बताएं, छोड़ दूं यहीं पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी में जाएगा। ये आपसे कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, किसी रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? रेडियली आउटवर्ड है एंड वेरीज विद डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ आपकी बदलती है, और किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदलती है? आर एज ई इज इक्वल टू 250 आर वोल्ट पर मीटर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज कंटेंड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर कंसंट्रेटेड एट द ओरिजिन। आप बहुत ध्यान देखें, एक बार में फिगरेटिव दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ये आपकी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है? और आपसे और क्या कह रहा है, चूंकि रेडियल है यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड आपकी चेंज हो रही है, तो चेंज होने का वो दिया है कितनी है 250 आर पर वोल्ट पर मीटर कर देना, ये -1 कर देना, ठीक है? तब करेक्शन कर दो। कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फीयर, एक स्फीयर है, इस स्फीयर में आप चार्ज निकालें जिसकी आपको रेडियस कितनी दे रहा है, रेडियस दे रहा है आपको 0.2 मीटर। आप ध्यान देखें इस क्वेश्चन में हर चीज दी गई है, आपको इस स्फीयर का चार्ज निकालना है। जब आप इस स्फीयर का चार्ज निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, क्या आपको पता है क्या स्फीयर की इंटेंसिटी आपको मालूम है? अभी आप निकाली थी, मैं 2 मिनट पहले इसलिए पूछ रहा हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ हाँ जी,
मैं क्लास में हूँ, एक आधे घंटे बाद बात कर लूंगा। चलिए मिल करता आप जाएंगे अड्डी, सरफेस आप चेक करें अभी स्फीयर की सरफेस पे, आपने देख लो आपने निकाला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला हुआ है। और जैसे ही E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहते हो, आप इसको कह सकते हैं क्यू अपॉन, देख लो आज की डेरिवेशन है सबसे लास्ट, आप देखें सारा निकाला है, आपको आर की वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, आर इज इक्वल टू 0.2, इसका मतलब E इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 250 इंटू आर 0.2 बराबर क्यू। क्यू इसलिए क्योंकि ये जानना चाहता था कितना चार्ज कंटेन्ड है, क्यू आपसे आस्क है अपॉन एस, एस कितना लोगे इसका, एस याद है आप लेंगे 4 पाई, तो याद है ना डायरेक्टली, और मैंने लिखा आर स्क्वायर और साथ में कौन आएंगे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अब तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद हो जानी चाहिए दो चार बार में, देख लिया ध्यान से क्यू आपका आ गया, ये आज के फॉर्मूले पर बेस था, ई बराबर कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन टू एस एप्सिलॉन नॉट, सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद है कहाँ पे, अगर आप इसको ले लेते हैं तो इनमें से चलो याद आ जाओ एक सेकंड, फिर मैं बचा हुआ पार्ट सॉल्व करता हूँ, तो इनमें से आप जो है किसको, एक को मैंने कहा 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को इकट्ठा कर देंगे, तो चलो एक लाइन लिख दिया हमने, सॉल्यूशन कर लेना यार 250 इंटू 0.2 का कितना हो जाएगा 250 इंटू 0.2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको और में 9.9 होगा क्यू अपॉन 0.2 का स्क्वायर कितना लेंगे अपन 0.02 है, बाकी आप कर लोगे इंटू, चले यार कैलकुलेशन आप कर देंगे या मार के चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन है शीट का देख रहे हैं नंबर कौन सा, 4th वन, बढ़िया ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड में इसके आगे कर दिया इतना। चले एक नेक्स्ट आप देखें, आपसे कह रहा है रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर दिस दिस, देखना जब भी आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर दिस एंड दिस दिया है मतलब समझ में आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं एरिया देना चाह रहा है, समझ में आ रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ये आपको नजर आ रहा होगा न्यूटन पर लॉ में आपको दी गई है, मैं लिख देता हूँ कैपिटल ई। इसके बाद कह रहा है सच दैट, कैसे दिया हुआ है सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड, आपका प्लेन जो है कॉइल के नॉर्मल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर फ्रेम, आप इससे जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम का फ्लक्स निकालें, बहुत ध्यान से देखो एक छोटी सी गड़बड़ आप कर सकते हैं, नंबर ए पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, नंबर ए आपसे कहेगा फाइव बराबर होता है ई एस cos थीटा, बहुत ध्यान से इधर देखते रहना, phi is equal to आप जाएंगे e, e आप रखेंगे 2 into 10 raise to power minus 4, s आप रखेंगे 25 into 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 25 into 15 और दोनों सेंटीमीटर के लिए आपने इकट्ठा कर लिया minus 4, अब मेरा सवाल है थीटा कितना लिया जाए, सर 90 शायद
इसलिए उन्होंने कहा कि लास्ट राउंड में याद होगा मैं ये एक बार फिगर बना बना के दिखा रहा था, याद आ गया। मैंने कहा था इसी में गलती करोगे, बहुत ध्यान से एक लाइन को देखो, मैं दो क्वेश्चन में दिखाता हूँ, पहले मैं पिछले वाले में दिखाता हूँ फिर इसमें दिखाऊंगा कौन ज्यादा नहीं वाला नहीं था। आपका 60 डिग्री वाला एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ यहाँ देखे ध्यान से, यहाँ कह रहा था नॉर्मल टू द एरिया मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। क्या आपको याद है हम जो एंगल मेजर करते हैं नॉर्मल से मेजर करते हैं, आपको कल मैंने ये सिखाया था और एक फिगर बना के बाकायदा दिखाए थे, आपसे कहा था दो कंडीशन आपकी उल्टी आती है पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली, पैरेलल में 90 और परपेंडिकुलर में 0 लेते हैं क्योंकि सरफेस या लूप या एरिया के साथ एंगल किसके साथ आता है नॉर्मल से नापा जाता है। और इसलिए आप चेक करें यहाँ जैसे आप जाएंगे तो आपका ध्यान जाएगा नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसलिए आप इस थीटा की जगह कितना ले रहे थे 60 डिग्री। अब मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूँ, इसीलिए मैंने कहा इन क्वेश्चन में आपको बोर्ड में यही आप धोखे का शिकार हो जाएंगे। यहाँ देखेगा ध्यान से, यहाँ कह रहा है प्लेन ऑफ द क्वाइल इज नॉर्मल टू द फील्ड, यहाँ प्लेन ऑफ द क्वाइल बना रहा है, मेरी बात समझ में आ गई। और मैंने कहा था इसीलिए बहुत ध्यान देखे, मान के चले ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो साफ बना देता हूँ फिगर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कह रहा है प्लेन ऑफ द क्वाइल, मैं क्वाइल बनाता हूँ, अब देखें इस फिगर को ध्यान से, इस फिगर में आपको नजर आ रहा होगा ये फिगर हुआ है कि आपका प्लेन ऑफ द क्वाइल इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेन ऑफ द क्वाइल नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक मजेदार बात है आप एंगल मेजर करते हैं नॉर्मल से और आपका ध्यान जा रहा होगा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साथ है, इसलिए यहाँ पर थीटा कितना आएगा यही आपके पास कल मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन लिखी थी, प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड थीटा बराबर 0, प्लेन ऑफ द क्वाइल पैरेलल टू द फील्ड थीटा बराबर 90। इसमें लगा है फिजिक्स बेटा इसलिए घातक हो जाती है क्योंकि फिजिक्स में जरा से वर्ड की स्लिप आपके नंबर 0 पे ले आती है और ऐसी कोई चीज नहीं होती जो टीचर ने कम से कम 2 बार पढ़ाई या समझी नहीं होगी, दिक्कत हमारे साथ जाती है, हमने उनका रिविजन नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने कंफ्यूजन में बैठे हुए जी रहे होते हैं। मिल गया प्लेन ऑफ द क्वाइल इज नॉर्मल, इसलिए मैंने यहाँ पर फिगर बना के दिखा दिया है और इसलिए मैं यहाँ पर रखूंगा 0 डिग्री, जबकि पिछले क्वेश्चन में कह रहा था नॉर्मल टू द क्वाइल, पिछला कोई क्वेश्चन था उसमें क्या था उसमें नॉर्मल ही कितना एंगल बना रहा था, ये नॉर्मल ही आप देखें 60 डिग्री बना रहा था, जब नॉर्मल 60 डिग्री बना रहा होगा तो एंगल 60 होगा, प्लेन बना रहा होगा तो नॉर्मल बना के देखना नॉर्मल कितना बना रहा है, क्योंकि एंगल हमेशा कहां से नापोगे नॉर्मल से, ठीक कर दे आराम से, इसलिए इस क्वेश्चन को किया है मैंने। कोई डाउट है तो पूछे क्या जी, शीट में क्या हो गया आप समझ में नहीं है तो बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको नोट कर दो, कोई समस्या नहीं है ना। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अगर शीट में नहीं है तो आप इसको आराम से नोट कर दें, इसकी लैंग्वेज मैं बोल भी देता हूँ जैसे पढ़ने में आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन शीट में नहीं है क्वेश्चन को आराम से नोट कर दें। कर दिया नोट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर 25 सेंटीमीटर इनटू 15 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
स्ट्रेंथ 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम। वैसे ऑनलाइन वालों में सुविधा है, वो नहीं लिखते थे, स्क्रीनशॉट ले लेते, वो काय पे लिखने में लगे होंगे, खट से स्क्रीनशॉट ले लेते नहीं। और कह रहा है प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड, फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद रेक्टेंगुलर फ्रेम। अब वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो रेक्टेंगुलर फ्रेम के साथ लिंक्ड है। याद है क्वेश्चन तो मैंने कहा याद है, तो एक क्वेस्ट था, इसके बाद एक और मान क्वेस्ट है उसकी चर्चा करूंगा। वो तो मैं इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें टेंथ भूल गई होगी, नहीं तुम्हें इलेवेंथ को बता रहे थे हर साल है, और टेंथ को ज्यादा बताओगे सब युगों पहले। इसके नीचे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द फ्रेम व्हेन इट इज कन्वर्टेड, जब आपका ये बदला जाता है स्क्वायर में या सर्कुलर फ्रेम में। मैं इनमें से कोई सा भी एक कर देता हूँ जो आप चाहेंगे, चाहे स्क्वायर वाला करा लो चाहे सर्कल वाला करा लो। मैं सर्कल वाला कर देता हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा, आप बताता हूँ करना क्या है। करना दोनों में एक ही काम है, केवल फॉर्मूला का चेंज होगा। बच्चा वो पार्ट लिखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द फ्रेम व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर और सर्कुलर फ्रेम, और ये सॉल्यूशन का एक फिगर बना के इतना दिखा दीजिएगा, जैसे आप दिखा दें फिर मुझे बताइएगा, मैं आगे जाऊंगा। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट में खेल लिया करो यार फुर्ती से, हाँ तुम परेशान होते हो लिखने के चक्कर में, बाद में लिख लिया। चलो हल हो गया तुम्हारा? यस सर। ठीक है तुम्हारा हो गया, तुम्हारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेज बताता हूँ, ध्यान देखें। अब जो मेन बात पे आता हूँ, आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको चाहिए जब आप इसे एक सर्कुलर फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर सर्कुलर फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, पहले रेक्टेंगुलर फ्रेम का साइज देखो 25×15 था, देखो यहां मैं फिगरेटिव दिखा देता हूं, स्क्वायर वाला तो खुद समझ में आ जाएगा। मैं इसमें सेकंड कंडीशन ले रहा हूं, आपका ये रेक्टेंगुलर फ्रेम था और इसकी साइज कितनी थी 25 × 15 cm, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है सर्कल में। एक्चुअली ध्यान देखना, इसका मतलब ये है आप कहना चाह रहे हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमारे तो मालूम है ना, पेरीमीटर मतलब चक्कर लगाने के संपूर्ण यात्रा बराबर। ध्यान देखना ये हो जाएगी आपकी सर्कमफेरेंस, नहीं आया आपकी समझ में, जितना लंबा तार है वही इसकी क्या बनाएगा, सर्कमफेरेंस बनाएगा। जिसने कहा था टेंथ का क्वेश्चन है आधा, इसका मतलब आप जाएंगे कितनी सर्कमफेरेंस होगी, जोड़ लो 25 × 50, 50 × 30 नहीं दिख रहा है, जोड़ जाड़ के लिख लो, टेंथ वाला होता है 80 cm बराबर आपको मिलेगा 2πr। इसका मतलब ध्यान देखना आपका आर बराबर दूर निकल आएगा, और जैसे ही आर बराबर निकल आया घड़ी आएगा उस ना उस, इसलिए ध्यान देखना अगली बार आप आएंगे इसलिए फ्लक्स बराबर ES cos θ, और जैसे आप ES cos θ रखेंगे, ई हम पहले एक बार चेक कर ले कितना था, 10−4। अब मैं दिखा देता हूं एस, इसको अलग से दिखा देता हूं। अब एस किसका रखोगे, इसका, यानी यहां पर आप रखेंगे πr² समझ आ गया, और इसलिए अगली बार बाकी तो सब है, cos थीटा कितनी थी 0 डिग्री। बढ़िया, ये वाला अरे माइनस फोर लो कोई नहीं, सही πr² आप सही कर लेंगे। अब मान चलते हैं यही क्वेश्चन स्क्वायर के लिए आता, तो क्या करते ध्यान जा रहा है, स्क्वायर के केस में स्क्वायर का वो आपका कितना होता है, स्क्वायर का होता है 4a, यानी स्क्वायर के केस में आप बताते हैं at बराबर होगा 4a, तो आपका a बराबर निकल आता, और इसमें जो s हमने πr² लिया है इसमें आप s बराबर a² लेंगे, सही है। मैंने कहा केवल आपके टेंथ बेस्ड है कि आप किसका एरिया और पेरीमीटर कितना लेते हैं।
खत्म। आई होप सो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, दैट इज टू बी डन बाय यू। दिखा दे एक केस में दिखा दिया दूसरे के लिए यार, 90% हिंट तो लिख दिया। अब क्या है फॉर्मूले को दोबारा लगाना होगा तुम्हें। हो जाएंगे हाँ या ना बताएं। कोई डाउट अब इस क्वेश्चन में? सर के माला मैंने पूरा कर दिया इसलिए मैं लिखी मैंने तीन लिख दी। एस बराबर ये होगा फिर वही ई एस कॉस थीटा में आप एस की अब की बार स्क्वायर वाली वैल्यू रखेंगे यानी ए स्क्वायर। और आग्रह रहेगा भैया टाइम कम है तो अपने क्वेश्चन कंप्लीट करते जाइएगा क्योंकि हमारे पास दोबारा इन्हें कराने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम दोबारा तो करा ही रहे हैं। सही है ना? जब आप कर ले तो मुझे बताइएगा फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा नेक्स्ट स्टेप अगले स्टेप में। हो गया विजय? चले एक आपसे कहता है देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच, what is the net flux q with the oriented so that its faces are parallel to d। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें कि आपको नजर आ रहा है आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लिखा है बीच में i cap। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी ओरिएंटेड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेड है और कितना है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जानना चाह रहा है? बहुत ध्यान देखना, नेट फ्लक्स जानना चाह रहा है थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। आपके क्यूब से आपकी फ्लक्स कितना होगा जबकि क्यूब के फेस आपके कैसे है सारी एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्यूब का एक फेस एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वाई पर है और तीसरा अपने आप समझ में आ गया होगा तीसरा कहाँ है जेड पर। बताओ इस क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक है तो मैं आप बताता हूँ इस क्यूब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी नेट फ्लक्स जो आपका आएगा वो कितना आएगा हम कहें कितनों को समझ में आता है कि होगा। जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए छोटा सा काम करता हूं। देखो इससे ज्यादा बड़ा मत कराना, 300% पे आ चुका है। इसके बाद बेचारा बोर्ड फट के बाहर आ जाएगा, बोले भाई साहब दया करो मैं ही हो जाता हूँ। नहीं आ रहा है भैया, जितना फ्लक्स एक साइड से एंटर होगा दूसरी साइड से आउटवर्ड निकल जाएगा। इसने कहा बिना सोचे समझे इसका कितना आएगा, जीरो आएगा। अब हम थे कहा मुझे अपना ढूंढना पड़ेगा अपन यहाँ और कैसे थे ये आपको नजर आएगा। जितना फ्लक्स आपका इस साइड से एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स आपका इस साइड पर। तो बस बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कैसे दिखाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन में तो एक सेकंड लगना था इस फिगर को देख के आप कहना था जीरो। ऑप्शनल क्वेश्चन में तो आपको 2 सेकंड से ऊपर टाइम लगने नहीं चाहिए था। बोर्ड की बात कर देते हैं, बोर्ड में आप बताएंगे फाई वन बराबर हो जाएगा, ध्यान देखना लाइन अंदर जा रही है तो कैसा होगा माइनस ई ए स्क्वायर और ऐसे ही फाई टू आप देखेंगे यहाँ लाइन बाहर आ रही है तो यहाँ होगा प्लस ई ए स्क्वायर। ना मुझे ई की जरूरत है ना मुझे ए की जरूरत है कि मुझे दिख रहा है आने और जाने वाले बराबर हैं तो सीधा आ जाएगा फाइव नेट बराबर जीरो। तो बोर्ड एग्जाम में आप केवल एक लाइन बढ़ा के लिखेंगे वो इतना और बिना कॉम्पिटिशन में होते तो इतनी देर सोचना ही नहीं था। विद इन 1 सेकंड आपको याद होना चाहिए था क्यूब और सिलेंडर इन सबका जीरो होता है। सही है?
नंबर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं, कर दिया आपने कंप्लीट, बदल दूं आगे बच्चो। नेक्स्ट आपका ये ध्यान देखना, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए लार्ज रीजन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली वर्टिकली डाउन। चलो मुझे लग रहा है दो तीन क्वेश्चन लंबे लंबे से बचेंगे, इनको अपन आराम से फिर अगले टर्न में करेंगे, इनमें से कुछ तुम कर सकते हो। ये वाला कर सकते हो यार, पॉइंट चार्ज ऑफ दिस वाज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स सरफेस। ये नहीं कर पाओगे, क्यूब में इतना चार्ज है इसका फ्लक्स बताओ तो कितना बता दोगे, खत्म। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, एट नंबर, क्वेश्चन नंबर एट को आप एक लाइन में लिखा दें, लिख दें हिंट, क्यू आपको दिया हुआ है 10-7 कूलॉम, मैंने इसलिए चलते चलते बता दिया, दो तीन मिनट बाकी है तो मैंने कहा एक आध मेन क्वेश्चन आप कर दें, फिर दो तीन जो थोड़े से बड़े हैं तो मैं कल करूंगा आराम से अगले टर्म में, ठीक है ना। आठवें में आपकी इतनी इंट पर है आपसे, ये भी आपकी आराम से हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आपको दिया हुआ है और कह रहा है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रेडियस इससे पास होता है, और जब इतनी रेडियन से पास हो रहा है व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज कैसे निकालोगे, आपको फाई दिया है, चार्ज पूछ रहा है, पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा फाई बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दे रहा है इतना पास हो रहा है और क्या जानना चाह रहा है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय, चार्ज और फ्लक्स का एक ही रिलेशन है, क्यू बराबर रख दीजिएगा, कितना रखोगे क्यू, सॉरी फ्लक्स कितना दिया आपको -6, फिलहाल आप चाहे तो 6×10³ रखना, चार्ज का नेचर आपका हो जाएगा नेगेटिव, ये समझ में आता है। इसी का आप दूसरा पार्ट देखेंगे, रेडियस इज डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस, कितना चेंज होगा, इसको मैं जरूर बता देता हूँ, ये ध्यान से देखें, ये तो कर लोगे। अब मुझे एक छोटी सी बात है, अगर मैं गॉसियन सरफेस डबल ट्रिपल या फोर टाइम्स कर दूं आपके फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा, जरा मुझे देख के बताएं। ये देखे ध्यान से, कोई आपका चार्ज है, ये से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है, मैं इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ये रही मेरी गॉसियन सरफेस, ये रही मेरी गॉसियन सरफेस और ये रही मेरी गॉसियन सरफेस, मुझे बताएं इन तीनों सरफेसेस से निकलने वाले फ्लक्स में क्या अंतर है, तीनों से में दिख रहा है, चाहे इसका देख लें चाहे इसका देख लें, भैया लाइन तो उतनी जाएंगी ना, ऐसा थोड़ी कह रही सरफेस बढ़ा दोगे तो लाइन बढ़ जाएंगी, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब कि अगर आप रेडियस ऑफ दी गॉसियन सरफेस डबल या ट्रिपल करते हैं या आधी करते हैं, दोनों साइड आधी भी या डबल भी, तो फ्लक्स कितना जाएगा, तो आप बताएंगे सेम, इसमें एक लाइन लिख दें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है शीट में चेक करो, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट तो आप कर देंगे फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकंड पार्ट में एक हिंट लिख दें, सेकंड पार्ट में हिंट वहां पे आ दीजिएगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स, नाइन्थ के सेकंड पार्ट में आप लिख दीजिएगा देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैंने दोनों के लिए लिख दिए हैं, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, आपको गॉसियन सरफेस की रेडियस कम ज्यादा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी अगले प्रश्न और एक सेकंड में जवाब दूं, अनमोल सिंह, अनमोल सिंह आपने क्या, अनमोल सिंह, चलो अनमोल सिंह ने बता दिया, चैट में एक प्रश्न पूछा था कि सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी हमारे सिलेबस में, सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी हमारे सिलेबस से एक दो साल पहले ही क्रॉस हो गई है, और एक चीज बता देता हूँ, आपके पास जो शीट है शीट में जो सबसे पहली चीज दी है वहां देखना आपका रिवाइज और डिलीटेड दोनों सिलेबस ही दिए हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, चले यहाँ पर हम इस मीटिंग को एंड कर लेते हैं और